How to stop thinking dirty and overthinking? दोस्तों 17 साल के राहुल ने अभी अभी अपनी IIT की तैयारियां शुरू की हैं, लेकिन पता नहीं क्यों पढ़ाई शुरू करते ही उसे अपनी छोटी कजिन सिस्टर को लेकर बुरे बुरे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब राहुल बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहा। वहीं 12 साल की छोटी सी खुशी को ऐसे विचार आते हैं कि उसके परिवार वाले ही उसके साथ कुछ गलत कर देंगे, और 55 साल की एक महिला जो अपना पूरा दिन भगवान की भक्ति और साधना करने में बिता देती है, लेकिन जब वो आंख बंद करती है तो उसे भगवान के ही अभद्र चित्र दिखाई देते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि आपके मन में भी इस तरह का कोई ना कोई विचार तो जरूर आता होगा। ऐसे में सवाल ये आता है कि क्या इस तरह के गंदे विचार आना आम बात है? और अगर इस तरह के विचार आना आम बात है तो इनके आने पर हम नेगेटिव और डिप्रेस्ड क्यों महसूस करते हैं? और क्या कोई ऐसा तरीका है जिसकी मदद से हम विचारों को अपने दिमाग में आने से रोक सकते हैं? आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो में बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ऐसी जानकारी देंगे जिसे सुनकर आपके सभी विचार गंदे विचार छूमंतर हो जाएंगे। दोस्तों सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि हम गंदा क्यों सोचते हैं। अब इस चीज को बारीकी से समझने के लिए आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक व्यक्ति के सर पर बाल नहीं थे तो उसे एक वैद्य मिले जिसने ये दावा किया कि वह उसके सिर पर बाल उगा सकते हैं, लेकिन बाल उगाने के बदले वो 1,000 सोने के सिक्के लेंगे। अब गंजे आदमी के लिए बालों से ज्यादा क्या कीमती हो सकता है, इसलिए वह सोने के सिक्के देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उस गंजे आदमी ने पूछा कि अगर दवा से बाल नहीं उगे तो? अब इस पर वैद्य ने कहा कि अगर बाल नहीं निकले तो मैं तुम्हें 2 गुने सोने के सिक्के वापस दे दूंगा। जिसके बाद उस गंजे आदमी ने वैद्य को 1,000 सोने के सिक्के दे दिए और अपने गंजेपन की दवा लेकर बस जा ही रहा था कि तभी वैद्य ने उस गंजे आदमी को रोका और कहा कि ये दवा तुम्हें तभी फायदा करेगी जब तुम इसे सही तरीके से खाओगे। तुम्हें इस दवा को सुबह और शाम 2 बार पीना है, और दवा खाते समय तुम्हारे मन में फलों के राजा आम का ख्याल बिल्कुल भी ना आए। अगर दवा पीते समय तुम्हें आम का ख्याल आया तो ये दवा तुम्हें असर नहीं करेगी। जिसके बाद गंजे आदमी ने बोला कि ये कौन सी मुश्किल चीज है, मैं तो आराम से दवा पी लूंगा। वो दवा लेकर वहां से चला गया, जिसके बाद उस गंजे आदमी ने जितनी बार भी कोशिश की उसके दिमाग में आम का ख्याल ना आए, ताकि वो दवा पी सके उतनी बार उसके दिमाग में आम का विचार आ रहा था, जिसकी वजह से ना ही वो कभी दवा पी पाया और ना ही उसका गंजापन कभी दूर हुआ। और ये बात वैद्य जी जानते थे। असल में हमारा दिमाग रिवर्स साइकोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करता है, जिसके हिसाब से हमें जो चीज़ करने से मना किया जाता है हम उस चीज़ के बारे में सबसे पहले सोचते हैं। यकीन नहीं आता तो उस प्रैक्टिकल करके देख लो। अगर हम आपसे कहें कि आप जिस शेर की तस्वीर देख रहे हैं आपको उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, आपके दिमाग में दूर दूर तक कहीं भी शेर का ख्याल नहीं आना चाहिए। हमें मालूम है कि हमारे शेर का नाम लेते ही आप शेर के बारे में सोचने लगे होंगे, और जितना आपने अपने आप को शेर के बारे में सोचने से रोका होगा उतनी बार आपके दिमाग में शेर का ख्याल आ रहा होगा। रिवर्स साइकोलॉजी की वजह से होता है, और ठीक ऐसा ही हमारे साथ गंदे और नेगेटिव थॉट्स के साथ भी होता है। जब भी हम किसी भी सेक्सुअल नेगेटिव तस्वीर, वीडियो या फिर विजुअल को देखते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से स्टोर हो जाती हैं, और फिर जब हम अकेले होते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग पर हावी होने लगती हैं। 1978 में इसी से जुड़ी एक स्टडी पब्लिश की गई थी, जिसके मुताबिक जो लोग सेक्सुअल या फिर नेगेटिव तस्वीर, वीडियो या विजुअल वगैरह देखते हैं उन लोगों में मेंटली डिप्रेस लोगों की तरह ही अलग अलग तरह के सेक्सुअल और वायलेंस वाले ख्याल आते थे। 6% पुरुष और महिलाओं को जानवरों या फिर आज जीवित चीजों के साथ यौन संबंध बनाने के विचार आते हैं। वहीं 19% पुरुष और 7% महिलाओं को नाबालिग बच्चों के साथ यौन संबंध के विचार आते हैं, और ये सारी चीजें उनकी नॉर्मल लाइफ को काफी ज्यादा टॉक्सिक और डिस्टर्बिंग बना देती हैं। जहां सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि मामूली से दिखने वाले वीडियो या तस्वीरें वगैरह हमारे दिमाग में इतनी ज्यादा गंदगी कैसे फैलाते हैं, और क्यों हमें हमारे दिमाग को कंट्रोल करना चाहिए? असल में दोस्तों हम सभी के अंदर 2 भेड़िये रहते हैं, और जब हम किसी चीज का निर्णय लेते हैं तो हमारे अंदर बस यही भेड़िये उस पर प्रतिक्रिया देते हैं, जहां ये दोनों ही भेड़िये आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, जिसमें से एक भेड़िया डर, लालच, काम वासना और नेगेटिविटी जैसे इमोशंस को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, तो वहीं दूसरा भेड़िया प्यार, पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस जैसे इमोशंस को बढ़ाने की कोशिश करता है। अब इन दोनों भेड़ियों में से जिनकी भी जीत होती है हम उसी तरह सोचने लगते हैं, यानी कि किसी भी काम को करने से पहले हमारे दिमाग में अच्छे और बुरे भेड़िये की आपस में लड़ाई होती है, और इसमें से जीत उसी की होती है जिसे हम अपने अंदर अच्छे तरीके से पालते पोसते हैं। यानी कि अगर हम अपने अंदर की अच्छाई, प्यार और पॉजिटिविटी वाली चीज़ों को बढ़ावा देंगे तो अच्छा वाला भेड़िया है वो ताकतवर होगा और बुरे वाले भेड़ियों को हरा देगा। लेकिन अगर हम अपने मन में नेगेटिविटी और बुरी चीज़ों को बढ़ावा देंगे तो जो बुरा वाला भेड़िया है वो अच्छे वाले को हरा देगा।
यानी कि हम इंसानों को अपने अंदर के इस भेड़िए को कितना ज्यादा ताकतवर बनाना है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम क्या चीजें देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। क्योंकि हम जितनी अच्छी चीजों में इन्वॉल्व रहेंगे, हमारे अंदर का अच्छा वाला भेड़िया उतना ज्यादा मजबूत बना रहेगा, और जब कोई अहम निर्णय लेने की बारी आएगी तो हमारे अंदर की अच्छाई मजबूती से निखर कर बाहर आएगी। लेकिन दिक्कत तो यह है कि हमारा दिमाग सेक्सुअल कंटेंट को सबसे पहले कंज्यूम करता है, और यही कारण है कि आज हमारे आसपास खूब सारा सेक्सुअल कंटेंट भरा पड़ा है, जिसकी मदद से लोगों के अंदर मौजूद बुरा वाला भेड़िया मजबूत होता चला जा रहा है, और लोग उल्टी सीधी चीजों में अपना ध्यान ज्यादा लगा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, अपने मन पर नियंत्रण पाने से पहले आपको अपने सेंसेस पर कंट्रोल पाना होगा, क्योंकि हमारा मन कैसा होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम क्या चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, यानी क्या देखें, सुनें और पढ़ें। क्योंकि हम जो कुछ भी कंज्यूम करते हैं उसी तरीके से बन जाते हैं। अब सवाल यह आता है कि हम कैसे पता लगाएं कि हमारे द्वारा देखी सुनी या फिर पढ़ी जाने वाली सही चीज़ है या फिर गलत है। तो दोस्तों, इसके बारे में सुकरात कहते हैं कि आपको किसी भी बात, वीडियो या फिर देखी जाने वाली चीज़ों को अपने दिमाग में बैठाने से पहले उसे 3 फिल्टर से गुजारना चाहिए। सबसे पहला फिल्टर तो ये है कि आपके द्वारा देखी या सुनी जाने वाली चीज सच है या झूठ। अगर वो सच है तो आप उसे आगे कंटिन्यू करें, वरना झूठ है तो वहीं पर छोड़ दें। फिर दूसरा फिल्टर आता है, वो बात पॉजिटिव है या नहीं। क्योंकि अगर जो चीज आप देख या सुन रहे हैं वो पॉजिटिव है, तब तो उसे देखने का मतलब बनता है। लेकिन अगर आप नेगेटिव चीज देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है उससे आपका दिमाग भी नेगेटिव होगा, आपके मन में खराब ख्याल आएंगे, इसलिए उसको भी छोड़ दें। और अंत में सबसे जरूरी बात यह है कि आपके द्वारा देखी या सुनी जाने वाली चीजें जो हैं उससे आपको कोई फायदा होगा या नहीं। क्योंकि हो ना हो, आज नहीं तो कल आपकी जिंदगी में वही चीजें अहमियत रखेंगी जो आपके लिए फायदेमंद है। बाकी आपने जितनी भी ऊटपटांग चीजें की हैं वो थोड़े पल के लिए तो आपको खुशी देंगी, बाकी आगे चलकर आपकी निराशा का कारण बन जाएंगी। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई फिल्म देखने जा रहे हैं तो सबसे पहले चेक कीजिए वो फिल्म देखने लायक है या नहीं, यानी कि फिल्म के अंदर जो चीजें दिखाई गई हैं वो सच्चाई से दिखाई गई या फिर कुछ भी उल्टा सीधा फिल्म के अंदर डालकर टिकट बेचा जा रहा है। दूसरी चीज आपको ये चेक करनी है कि फिल्म के अंदर कोई ऐसी बुराई ना हो जिसे देखकर आपके दिमाग में बुरे ख्याल आने लगे, या फिर आप बुराई की तरफ आगे बढ़ें। और अंत में आपको ये चेक करना है कि वो आपके लिए बेहतर है या नहीं, यानी कि अगर आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आपको स्पोर्ट्स से या फिर माइंडसेट से जुड़ी कोई फिल्में देखनी चाहिए, बॉलीवुड मसाला देखकर आपका कुछ नहीं होगा। साफ शब्दों में कहा जाए तो अगर आपको नेगेटिव और गंदे विचारों से निकलना है तो उसके लिए आपको खुद को गंदगी से निकलना होगा। जब तक आप अच्छी चीजें करना और सोचना शुरू नहीं करेंगे तब तक आपके विचार भी शुद्ध नहीं होंगे। क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं, हमारे अंदर 2 भेड़िए होते हैं जो हमारे व्यवहार को निर्धारित करते हैं, और वही भेड़िया जीतता है जो ताकतवर होता है। ऐसे में अगर आप अपने अच्छे वाले भेड़ियों को मजबूत बनाएंगे तो वो आपके अंदर वाले बुरे भेड़ियों को हरा देगा, और आप हमेशा अच्छा सोचेंगे, अच्छे विचार आपके दिमाग में आएंगे और आप अच्छा महसूस करेंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अब आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में आकर बताएं, और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।